गुड मॉर्निंग गाइस, मैं संदीप सिंह आज एक बार फिर आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। मेरे चैनल का नाम है ट्रिकी मैथमेटिक्स बाय संदीप सिंह। आप लोग देख रहे होंगे मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ट्रिकी मैथमेटिक्स बाय संदीप सिंह, आप लोग जानते होंगे। तो आज थोड़ा ट्रिक की बात करता हूँ मैं। मैंने तो कुछ पिक्चर लिखा है नंबर ऑफ सेक हैंड। तो आज हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। कोई मुझसे पूछा कि अगर 30 आदमी एक दूसरे से 30 बार हाथ मिलाते, मतलब ये आपस में हाथ मिलाते हैं 30 आदमी एक दूसरे से, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेकंड। मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं नंबर ऑफ सेकंड पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ है, सीखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो सो इट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। दिस पार्ट कंटेन्स इन टू कैटेगरी ऑफ द मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक बेसिक पॉइंट बताऊँगा, इसके बाद एक फार्मूला है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप कई यूट्यूब चैनल देखते होंगे, बहुत टाइम लेते हैं लोग, मैं भी बोर हो जाता हूँ देखते देखते, टाइम लेते हैं और लास्ट में 15 मिनट बीत जाएगा तब बताएंगे ये फार्मूला होता है। तो मैं वो ऐसे नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कैसे होता है और क्या फार्मूला है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप किसी भी टाइप का एग्जाम ले लीजिए, यहाँ तक कि मैं IAS की बात कर रहा हूँ, जो CSAT का एग्जाम होता है उसमें भी नंबर ऑफ सेकंड क्वेश्चन आया था। तो हम शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई एक कमेटी है मान लीजिए, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई एक कमेटी है, उस कमेटी में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। एक कमेटी कहीं बैठी हुई है, 10 लोग हैं, और 10 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, आपस में एक दूसरे से खंड करते हैं। कोई एक कमेटी है, 10 लोग हैं, वे लोग आपस में एक दूसरे से खंड करते हैं। तो हमसे ये पूछा जाता है कि वे सब आपस में कितनी बार से खंड करते हैं, नंबर ऑफ सेकंड हमें बताना है। आप ही सोचिए, मैं आपको 10 नहीं, मैं आपको 5 देता हूँ, इसके बाद मैं आपको 100 लेकर दिखाऊंगा कैसे आता है। हम 5 लेते हैं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट देना है कैसे चीज़ें होती हैं। ओके, देखिए 5 लिया। अच्छा, मान लीजिए 5 आदमी हैं, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी। ओके, कॉन्सेप्ट दिखाइएगा, कैमरा फोकस कीजिए पूरे इस पर। एक आदमी जब हाथ मिलाएगा तो कितने लोगों से मिलाएगा? ये मान लीजिए ये पहला आदमी, इनसे हाथ मिलाएगा, मतलब एक आदमी 4 लोगों से हाथ मिलाएगा। कितने लोगों से? 4 लोगों से। तो हमने लिख दिए 4। ओके, दूसरा आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? अभी सोचिए, पहले आदमी जब इससे हाथ मिलाया, क्या दूसरा आदमी फिर से हाथ मिलाएगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पहला आदमी इससे हाथ मिला चुका है। तो दूसरा आदमी केवल 3 लोगों के साथ मिलाएगा बस। दूसरा आदमी कितने लोगों के साथ मिलाएगा? 3 लोगों से। और तीसरा आदमी केवल 2 लोगों के साथ मिलाएगा, क्योंकि पहला आदमी इससे भी हाथ मिला चुका है और दूसरा भी इससे हाथ मिला चुका है। तो तीसरा आदमी केवल 2 लोगों के साथ मिलाएगा। ओके, ऐसे दूसरा आदमी केवल 1 लोगों के साथ मिलाएगा और पहला आदमी तो 1 लोगों के साथ मिलाएगा ही। तो मैंने लिखा, अब देखिए, अब हम इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा ऐड करने पे? 4 3 7 2 9 10। तो हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ सेकंड 10। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। मान लीजिए यहाँ अगर 5 ना होता, 1000 होता, तो हम कैसे निकालते? अगर 1000 लोग कमेटी बैठे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ सेकंड निकालना है, तो क्या हम ऐसे लगा पाते? कभी नहीं लगा पाते। एग्जाम छूट जाता, हमें लगा 5-6 घंटे बीत जाते एग्जाम के, तभी ना आता कैलकुलेशन करने पर, इस टाइप करते हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सेकंड का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैमरा पूरा फोकस कीजिएगा इस पर। ये फार्मूला आपका है n n-1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ ए फार्मूला किसके लिए? नंबर ऑफ सेकंड के लिए। और n क्या है? द नंबर ऑफ द पीपल विच इन्वॉल्व इन द कमेटी, या किसी भी चीज़ में, या किसी बिजनेस का कोई मीटिंग चल रही है, इसमें जितने लोग हैं, तो n इज द नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, मैं उसमें प्रूफ करता हूँ कि मेरा फार्मूला सही है। मैंने 5 सदस्य इसमें लिया था ना, 5 रखिए, 5 × 4, n का स्थान 5 रखा, n-1/4/2, कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 10 आ जाएगा। देखिए 10 यहाँ भी आया था और 10 आपका यहाँ भी आया था, इसका मतलब मेरा फार्मूला सही है। आप कोई भी चीज़ रख के दे सकते हैं। हमें 1000 की निकालना है, तो हम क्या करेंगे?
1000 गुणे 999 ये हमारे सुमन अपान 2 500 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हम 545 तो डबल जीरो बना दिए तो हमारा कितना आ गया 49,000 क्या है 4,99,500 दैट विल बी द आंसर ओके तो ये आपका हो गया क्या है हम लोग बचपन की आदत है हम लोग क्या है पढ़ते हैं तो आपका 499,500 टाइम्स ये लोग सेकंड करेंगे अगर 1000 पीपल रहेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए एन एन माइनस वन बाई टू तो नंबर ऑफ सेकंड का एक अच्छा वीडियो मैंने आपको दे दिया है तो ऐसे कोई भी चीज़ हो कोई भी चीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं हर चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा तो थैंक यू सो मच।